नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरबी टॉक्स में। फिर से मैं आपका होस्ट आयान रॉय, एडिटर ऑफ द चैनल, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं फिर से आरबी टॉक्स में। आज हम आपको ले जाने वाले हैं दिखाने के लिए एक ऐसी नदी जिसका नाम है स्विस रिवर। ये नदी है असम राज्य के दरंग जिला दलगांव क्षेत्र में। तो आज हम इसी नदी के बारे में जानेंगे और देखेंगे ये नदी किस तरह से बह रही है और इसका नाम स्विस क्यों पड़ा। बहुत ही जल्द हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशिक जुड़ जाएंगे और आप सभी को इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं। तो आप सुन रहे हैं 60 इयर्स हो चुका है इस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किए हुए। 60 इयर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, 60 इयर्स हो चुका है। तो 60 साल पुराना चीज़ है ये। तो ये ऐसा रोमांचक चीज़ आप लोग दरंग में बहुत कम ही दिखाई देगा आपको, 60 साल पुराना चीज़। तो देखने लायक चीज़ है। बीघा जमीन है इस साइड। तो ये पूरा पूरा स्विस कैनल का ही है और उससे उसका ऑपोजिट में है और 13,000 बीघा जमीन है। तो इसका जो एरिया है बहुत वास्ट एरिया है और ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में और भी बड़ा बड़ा और भी कुछ बड़ा कुछ बन सकता है, इसलिए इतना एरिया लेके रखा है यहाँ पे। तो आप सुन सकते हैं इन्होंने क्या बोला, ये इसकी जो पानी है भैरवकुंड नाम का एक जगह है, उससे फ्लो होकर ये पानी यहाँ पे आ रहा है। तो चलिए जानते हैं और अच्छी तरह से और विस्तार से जानते हैं इसके बारे में, इलेबोरेटली हम लोग और अच्छी तरह से जानते हैं इसके बारे में। चलिए, मैं हूँ कौशिक आरबी टॉक्स से। तो आप लोग अभी आए हैं स्विस गेट नाम का एक जगह पे। तो हम लोग अभी इस जगह को अच्छी तरह से जानने के लिए कोशिश करेंगे। तो सामने का जो बोर्ड आप देख रहे हैं, इसका जो साइलेंट फीचर्स, उस फीचर्स के बारे में बताया गया है। तो
ये जो एस्टेब्लिश हुआ है आप लोग देख सकते हैं ईयर ऑफ कंप्लीशन 1958, मतलब 60 साल पुराना, 60 प्लस ईयर्स हो गया ऑलरेडी इस कंस्ट्रक्शन। तो इसका एरिया तो बहुत ज़्यादा है, बहुत वास्ट एरिया है। इधर है 13,000 बीघा, इधर है 9,000 बीघा, टोटल 20,000 प्लस जमीन है। फ्यूचर में और भी कुछ बना सकते हैं यहाँ पे। तो इस लिस्ट में सब कुछ दिया गया है, इसका विड्थ लेंथ सब कुछ दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं इसके बारे में सब कुछ विस्तार से दिया गया है। पानी है, पानी का जो फ्लो है बहुत फास्ट है, स्पीड बहुत है, पानी फ्लो होके जा रहा है इस तरफ से। तो यहाँ का जो लोकल लड़का लोग हैं यहाँ पे आते हैं नहाने के लिए, स्विमिंग करने के लिए। देखिए, देख सकते हैं आप सब लोग पानी का आनंद लेते हुए, सब लोग आनंद ले रहे हैं। यहाँ का जो पानी है बहुत ही ठंडा है, आप खुद रियलाइज नहीं कर सकते इतना ठंडा पानी। गर्मी के सीजन में तो ये बहुत ही अच्छा जगह होगा स्विमिंग के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या जो लोकल लड़का लोग हैं सब लोग नहा रहे हैं।